हेलो। यस यस मैम। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग हिंदी लिटरेचर में कहाँ तक पढ़ चुके हैं बताओ। मैम नाइन चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, पेपर भी हो गए आप लोगों के। अब हम यस लोग फाइनल मैम। का चैप्टर यूनिट टू का स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 है हमारा राखी का महत्व। राखी राखी जानते हैं आप लोग क्या होता है? रक्षाबंधन मैम, रक्षाबंधन। यस मैम। होता है, उस दिन क्या होता है बताइए। मैम भाई को बांधते हैं, मैं मिठाई भाई खिलाती को टीचर, राखी बांधा जाता हो। मिठाई खिलाते मैम, टीका बांधते हैं, सॉरी टीका लगाते हैं। तो यही इसी चैप्टर में है कि राखी की शुरुआत, मतलब राखी का त्योहार क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, इसका ही महत्व इसमें बताया गया है। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। यस यस मैम। मैम। चलिए, राखी भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। राखी क्या है कि वो भारतवर्ष का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार तो है, लेकिन वह एक प्रमुख त्योहार भी है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तथा मंगल कामना करती हैं, और भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं। प्राचीन काल में बहनें भाइयों को टीका करके राखी बांधती थीं और तलवारें देती थीं। राखी से संबंधित एक कहानी भी प्रचलित है, जिसमें महारानी कर्मवती ने हुमायूं से सहायता मांगी और इसी सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह करते हुए बास्रा हुमायूं ने अपने हानि लाभ की चिंता ना करते हुए आपदा से घिरी रानी कर्मवती की सहायता की। क्या हुआ था कि राखी की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने क्या किया था? जो महारानी कर्मवती थी, महारानी कर्मवती ने, महाराज जो ये हुमायूं थे, बादशाह थे, तो उन्होंने से परंपरा का यहाँ से ही स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, राखी से यह एक संबंधित कहानी है जिसमें महारानी कर्मवती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी। जब हम किसी सहायता मांगे थे तो इसे संस्कृति का परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने इनकी राखी बांधी। अब यहाँ से स्टार्ट है, कैसे शुरुआत हुआ। कर्मवती, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह, राजपूत वीरता से युद्ध कर रहे हैं, परंतु एक तो हमारी संख्या कम है, दूसरे शत्रु के पास यूरोपियन तोपखाना है जो आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुत को मारकर मारेंगे, परंतु दुख इस बात का है कि हम मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बाघ सिंह जो है वो एक सेवक है, वो कर्मवती को बताते हैं कि युद्ध जो हो रहा था उसका हाल बताते हैं कि वहां का हाल कैसा है, कि वो बता रहे कि हमारे जो सेना है वो बहुत कम है, तो हम युद्ध तो करेंगे लेकिन क्या है, मरने मरेंगे भी और लेकिन मार के मरेंगे। कर्मवती कहती है, बड़ा कठिन प्रसंग है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है। उनके होते हुए कोई भी मेवाड़ पर आंख उठाकर नहीं देखता था। यहाँ पे कर्मवती कह रही है कि अगर मेरे पति होते तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेवाड़ पर वो कोई भी आंख उठाकर युद्ध करें। आंख उठाने का मतलब है यहाँ पे युद्ध करना। उनके आतंक से दूर दूर के अत्याचारी भी कांपते थे। क्या था, जो
उनका जो इतना उनका प्रबल था, तो जो अत्याचारी थे वो क्या करते थे, दूर से ही कांपते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। बाघ सिंह कहते हैं, रानी जी अब पश्चाताप से क्या होगा, हमें सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कर्मवती कहती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह कहते हैं, कौन सा उपाय, क्या? कर्मवती कहती हैं, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। वो क्या कहती हैं, मैं राखी हुमायूं को भेजना चाहूंगी। जवाहर भाई कहते हैं, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाऊंगी। कर्मवती से क्या कह रहा है जवाहर, कि तुम एक मुसलमान को अपना भाई बनाओगी? कर्मवती कहती है, क्यों, क्या मुसलमान भाई नहीं हो सकता है? कर्मवती जवाहर से कह रही है कि क्या मुसलमान व्यक्ति भाई नहीं हो सकता? वे भी तो इंसान होते हैं, वह भी तो एक इंसानी तो हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। चूंकि वे मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं, वहां पर बाप बताया जा रहा है कि हिंदू जो होते हैं वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम जो होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए हमें इनसे घृणा करनी चाहिए? कर्मवती कह रही है, वो मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में जाते हैं, तो क्या ये सोच के हमें घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह कहते, यह इतना आसान नहीं, क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेंगे? अब बाघ सिंह कर्मवती से क्या कह रहे हैं, कि जो हम लोग के बीच पुराना है, शत्रुता है, बैर है, तो क्या वो हुमायूं भूल कर आपसे राखी बंधवा लेंगे? सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? जो सिकरी का युद्ध हुआ था, हुमायूं के बीच हुआ था, तो वो ये बता रहे हैं, क्या वो इस घटना को भूल पाएंगे? कर्मवती कहती है, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। वो क्या कह रही है, कि कर्मवती कहती है, हमारी राखी एक शीतल है जो उनके सारे घावों को भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता। क्या बता रही है, कि जितने भी वैर भाव है हम लोग के बीच, जो जितनी भी दूरी है, उन दूरी को वो मिटा सकेगा। राखी बांधने के बाद क्या कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? कर्मवती कहती है, अगर हम किसी को राखी बांधते हैं तो क्या उसके बाद वैर विरोध हो सकता है? जवाहर भाई, पर वे हमारे शत्रु हैं। कर्मवती उनसे क्या कहती है, कि वो तो हमारे शत्रु हैं। कर्मवती कहती है, फिर ऐसा ना कहो, उन्हें भी भारत में जीना मरना है, हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजा जा सकता, उन्हें रहना पड़ेगा और उन्हें याद रखना होगा। वे हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? कर्मवती कहती है, अगर मैं हुमायूं को अपना भाई बना लूंगी तो वो क्या करेंगे, जो युद्ध होगा मेवाड़ का, तो उस पे उनकी रक्षा, हमारे मेवाड़ की रक्षा की जा सकती है। बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? सम्मति मतलब राय है। बाघ सिंह कहते हैं, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। वो क्या कह रहे हैं बाघ सिंह कर्मवती से, कि आप जो बोलेंगी उसका हम आज्ञा मान लेंगे, हमें नहीं लगता कि हम आपको सम्मति दें। कर्मवती कहती है, ठीक है, आज भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए, या राखी और पत्र लीजिए। आप आज ही इस राखी और पत्र को दूत के साथ हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। जवाहर भाई कहता है,
ठीक है, यह तो अच्छी बात है। इस बहाने एक मुसलमान के मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी। वो क्या कह रही है? किसी बहाने एक मुसलमान की जो मनुष्यता उसकी परीक्षा हो जाएगी। और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। पट परिवर्तन होता है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं अपने सेनापति हिंदू बेग और तात्रा खां के साथ एक तंबू में बैठे एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार अभिवादन करके जा पना हुमायूं क्या है? पहरेदार कहता है सरताज की खिदमत में मेवाड़ का दूत आया है। हुमायूं मेवाड़ से? अच्छा यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान दूत का प्रवेश। हुमायूं आओ मेवाड़ के बहादुर दूत कहते हैं, अभिवादन करते हुए कहते हैं स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी करमती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। क्या बता रहे हैं दूत? उनसे कह रहे हैं कि महाराणा संग्राम सिंह की जो मर चुके हैं उनकी महारानी करमती जी ने आपके लिए एक सौगात भेजी है। ठीक है, सौगात मतलब होता है उपहार। हुमायूं कहता है हाथ बढ़ाकर जय किस्मत। हिंदू बे कहता, हिंदू बे तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहां की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। वहां के जर्रे जर्रे में बहिष्कृत है। तात्रा खां कहते हैं दुश्मन की तारीफ करने में जा पना से बढ़कर हुमायूं दुश्मन। अरे कौन हमारा दुश्मन? हुमायूं कहता है तात्रा खां से कि दुश्मन है कौन हमारा दुश्मन है? वे सब हमारे भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि हम सब जो हैं हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, वो हम सब एक ही ईश्वर के पुत्र बेटे हैं। तात्रा हाँ देखो तो इस पत्र में क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाते हैं। हिंदू बेग क्या सपना देखने लगे जा पना? महारानी करमती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं हाँ हाँ हिंदू बेग वास्तव में उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से बहन करमती से कहना है कि वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है और वे जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। उनसे कहना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, हम उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? हुमायूं उस पत्र को पढ़ते हैं, उसमें राखी रहती है और एक पत्र लिखा रहता है कि वो करमती जो थी वो हुमायूं को अपना भाई मान चुकी रहती हैं, उनके लिए अपना राखी भेजती है, अपना भाई बना चुकी हैं। तो हुमायूं क्या कहता है दूत से कि उनसे कह देना कि उनसे सगे भाई से बढ़ के हैं और उनकी इज्जत अब हमारी इज्जत है। ठीक है, हम उनके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। दूत का प्रस्थान मतलब दूत से वापस चला जाता है। तात्रा खां आपके अब्बा जान की जानी दुश्मन की और औरत ने तात्रा खां क्या कहता है हुमायूं से कि जो आपके पिताश्री हैं उनकी जो ये औरत है वो तो जानी दुश्मन है। ठीक है, हुमायूं कहते हैं अफसोस क्या तुम राखी की कीमत नहीं जानते? यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद मांगी है। तात्रा खां कहते हैं तो क्या जा पना इनकी इल्तिजा मंजूर कर ली जाए? हुमायूं हाँ इल्तिजा नहीं हुक्म है। हिंदुस्तान की त्वारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं।
मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं और उतने ही पाक हैं। तात्रा खां कहता है, एक मुसलमान के ऊपर हिंदू का तर्जी। हुमायूं, मैं हिंदू मुसलमान को अलग नहीं मानता। हुमायूं क्या कहते हैं, मैं हिंदू और मुसलमान को कभी भी अलग नहीं मानता हूँ, दोनों ही खुदा के बेटे हैं। इसलिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, खुदा की हिदायत के मुताबिक कर रहा, जो खुदा की मर्जी है उसके मुताबिक ही कर रहा हूँ। हिंदू बैग कहते हैं, मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की ओर लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं कहते हैं, अब सोचने का वक्त नहीं है, मेरी बहन ने मुझे मदद के लिए पुकारा। वो क्या कह रहे हैं कि अब बिल्कुल भी सोचने का वक्त नहीं है, मेरी बहन कर्णवती ने मुझे अपने उसके लिए मदद के लिए पुकारा है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा चाहे मेरी सल्तनत चली जाए। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, सल्तनत मतलब होता है राज्य, चाहे उनका चला जाए। पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। वो क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं सुनना चाहता है कि एक व्यक्ति मुसलमान वे हिंदुओं की बहन की इज्जत करना नहीं जानता है। बहन कर्णवती, तुम्हारी राखी मुझे ही वही ताकत दे जो वहां राजपूतों को देते आइए। क्या है, हिंदुओं में क्या होता है, बहनें राजपूतों को राखी बांधती हैं, मुसलमान में भी यही वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप राखी राजपूतों को बांधती हैं वैसे ही मुझे भी बांधी है। तात्रा खां, जल्दी से फौज को तैयार करो, अब हमें अभी कुछ करना है। राखी हाथ में बांधते हैं और सब चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मेवाड़ का जो युद्ध होता है उसके लिए ये लोग चले जाते हैं। तो इससे क्या पता चला, इस कहानी से बताइए क्या पता चला इस कहानी से। हर्ष, यस मैम, क्या पता चल रहा है, इस उपाय का उद्देश्य विद्यार्थी को राखी के उद्देश्य कुछ अपने से बताओ। इस कहानी को पढ़ के तुम्हें क्या लगा कि क्या मतलब है इस कहानी का, क्यों राखी का त्योहार अब समझ में आया, क्यों होता है, क्योंकि यह एक पवित्र ही रिश्ता है जो एक अटूट बंधन है, ठीक है, जो एक ताकत प्रदान करता है। हाँ रिश्ता बताओ, बताइए मैम, इसका ये मतलब हुआ कि मैम इसका ये मतलब हुआ कि हिंदू मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं। मैम मुसलमान हिंदू में, हाँ बोलो, हिंदू मुस्लिम सब नहीं होते, सब एक होते हैं, हिंदू एक होते हैं। मैम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होते हैं और ये त्योहार सब लोग मनाए जाते हैं। ये क्या इसमें बताया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये इनका त्योहार है तो ये मनाए, ये मेरा त्योहार है तो हम मनाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब त्योहार है, सब सभी के हैं, वो चीज सभी में एंजॉय हमें करना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए, किसी की भावनाओं को समझना चाहिए। तो समझ में आ गया ये चैप्टर आप लोगों को, बताइए। इसके कुछ हम बता दे रहे हैं, और सौगात मतलब होता है, यस मैम, उपहार, इल्तजा मतलब होता है, ये कुछ उर्दू वर्ड है, इल्तजा मतलब होता है प्रार्थना, तरजीह मतलब होता है, तरजीह मतलब क्या होता है, अच्छा समझना, अच्छा समझना,
सल्तनत मतलब राज होता है, बता चुके हैं, ठीक है। खिदमत मतलब होता है, खिदमत मतलब होता है सेवा, सेवा, ठीक है। यस मैम। त्वरा मतलब होता है, त्वरा रीत मतलब होता है इतिहास। पाक मतलब होता है पवित्र। बहिष्कृत मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। और जहे किस्मत मतलब बात बात को, किसके घर से आवाज आ रही है। जहे किस्मत मतलब होता है सौभाग्य, ठीक है। ये कुछ उर्दू के वर्ड हैं जो आपको बता दिए कि सौगात मतलब होता है उपहास, इल्तजा मतलब होता है प्रार्थना, तरजीह मतलब होता है अच्छा समझना, खिदमत मतलब सेवा, वरारीख मतलब होता है इतिहास, पाक मिस होता है पवित्र, बहिष्कृत मतलब होता है स्वर्ग, और जहे किस्मत मतलब सौभाग्य, ठीक है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन जो ना समझ में आया हो। नो मैम। नो मैम। अच्छा बताओ, कर्मवती ने किसे राखी भेजी और क्यों। कर्मवती ने किसे राखी भेजी थी बताओ। कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, वे अपना हुमायूं, हर एक मिनट हुमायूं होता है। और क्यों भेजी थी वे, क्योंकि वे अपन क्यों भेजी थी, भाई और अपनी सहायता के लिए, मेवाड़ के राज की सहायता के लिए मदद मांगी थी, ठीक है। क्या हुमायूं ने कर्मवती की राखी स्वीकार की थी। हाँ कर्मवती की थी। यस मैम। कर्मवती की मुसलमानों के प्रति क्या सोच थी बताओ। कर्मवती की मुसलमानों के में कि सब ईश्वरी के पुत्र हैं। वेरी गुड। तो समझ में आया ये चैप्टर आप लोग अच्छे से। यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस चैप्टर में या इसके पहले के सब चैप्टर में। नो मैम। ठीक है तो पढ़ लो क्या आप लोग। इतिहास के ये थे हुमायूं थे ना। यस मैम। ठीक है तो पढ़ लोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। रिजल्ट तो आप लोग देख लिए हैं मैम। नहीं आया है। नो मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास।